Good morning, friends. Welcome to Adat247, and today is 22nd of May 2018, and let us start discussing all the important editorials from the Hindu newspaper. चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जहां हम द हिंदू एडिटोरियल से सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फिर अगर आप न्यूज़पेपर के साथ बैठे हैं तो फिर आप लोग पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जहां पे है वहां पे आ जाइए. सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 8, बट बिफोर बिगिनिंग लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे. आज 22 मई को क्या खास है ये चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पे. So as you can see that today is the 246th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy, जो कि एक बहुत ही celebrated social reformer है, उन्होंने Indian society के अंदर he has brought in a lot of changes. Do name one or two from the same. कौन से प्रथा को abolish करने के वजह से और banning of which of the following or which of the event that was inhuman जिसके वजह से राजा राम मोहन रॉय को याद किया जाता है, तो उसमें से सबसे अहम कौन सा था, दैट यू हैव टू से. ही इज ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा. सो इफ यू गेट एन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, हु इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय. नाउ कैन आई सी फ्लोइंग ऑफ सती प्रथा, पवन शुक्ला बिल्कुल सही, सती प्रथा को बैन करने के लिए उन्होंने इस हद तक लड़ाई किया था कि उस वक्त अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द 1800s इफ अ वुमेन इज बीइंग टेकन टू द शमशान घाट या फिर जहां पे भी उसको जलाया जाएगा टू दैट प्लेस एंड इफ राजा राम मोहन रॉय इज फॉलोइंग और उनके पीछे पीछे जाके अगर उनके अंदर इतना हिम्मत आ रहा है कि ये बोल सके कि कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों जला रहे हो, मत जलाओ. सो टेकिंग द स्टैंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स वॉज अ बिग डील, राइट. अभी हम हिस्ट्री को सिर्फ देख रहे हैं बट उस वक्त वहाँ इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर इस बात को बोलना, दैट वॉज अ बिग चेंज एंड दिस पर्सन हैड डन इट. और उनके ही कोशिशों के वजह से फाइनली 1829 को जाके सती वॉज बैंड एंड लेटर ऑन डेवलपमेंट्स और ज़्यादा अच्छे हो गए थे. सो यू कुड सी 1856 में विडो रेमैरिज, मतलब दोबारा से पुनर्विवाह का भी यहाँ पे प्रचलन हो गया था, राइट. सो आई होप वी आर क्लियर विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय. लेट अस बिगिन विथ व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो आज हम जिन आर्टिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हमारे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला आर्टिकल है, माइल्स टू गो, सबसे ऊपर देखिए जो माइल्स टू गो आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द बैंक्रप्सी कोर्ट. तो उसके बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. उसके बगल में द क्लासरूम एज द इंस्ट्रक्टर्स कैस्टल, यहाँ पे हमारे ऊपर स्टीव ने, जो कि आपका स्टीव वोजनाइक के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, स्टीव वोजनाइक. ओके, दिस इज द माइल्स टू गो. उसके बगल में जो आर्टिकल है द क्लासरूम एज द इंस्ट्रक्टर कैस्टल, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है कि इंडियंस जो है ना वो कभी आईटी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी ला ही नहीं सकते हैं. तो क्यों ऐसा है और क्या इसके लिए सजेशंस है, उसे हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल इसके नीचे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ऑन द ग्रेट एशियन हाईवे, दिस इज टॉकिंग अबाउट, सब तीन बातें यहाँ पे सबसे पहले कही गई है. नंबर वन इज चाइना हैज इट्स ओन वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम बट वी आर नॉट हैप्पी विथ इट. देन देर इज अनादर प्रोग्राम दैट इज द प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन साइड, और यहाँ पे बिस्टेक, बी आई एम एस टी ई सी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बिम्स्टेक के बारे में बात किया जा रहा है, वॉट आर दी प्रॉब्लम्स जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है. सो दैट is what we are going to discuss in this article. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बगल में जो आप लोग विक्ट्री एंड वायलेंस, जो छोटा छोटा सा आर्टिकल आप देख पा रहे हैं माइल्स टू गो के नीचे, विक्ट्री एंड वायलेंस, ये बात कर रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर रिसेंटली पंचायत इलेक्शंस हुए थे. नाउ देर इज सिनेरियो कि यहाँ पे वायलेंस हो गया था एंड इन दिस वायलेंस कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी इनसाइड द पंचायत इलेक्शंस. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेम. ओके, मानसा आई टेक केयर ऑफ इंग्लिश एज वेल. सो फाइनली लेट्स प्रोसीड विद दैट. ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस. सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. द नेक्स्ट आर्टिकल दैट यू कैन सी इन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, द मेघालय एग्जाम्पल, दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट
मेघालय के अंदर, मेघालय इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज पास द सोशल ऑडिट लॉ. डू यू अंडरस्टैंड सोशल? दैट मीन्स सोसाइटी, द सिविलियंस, द सिविल पॉपुलेशन हैज अ से इन डेमोक्रेसी डायरेक्टली, क्योंकि वो भी अब ऑडिटिंग का हिस्सा हो सकते हैं. नाउ वी नो दैट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज द कैग, अंडर आर्टिकल 148 हैज द राइट और द पावर टू ऑडिट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट कंपनीज. बट नाउ यू सी देर इज अनदर न्यू थिंग, दैट इज सोशल ऑडिटिंग का भी यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है. उसके नीचे जो आप लोगों को दिख रहा है वेजेस फॉर लुकिंग, जो वेजेस फॉर लुकिंग आपका आर्टिकल है, दैट इज टॉकिंग अबाउट नोक्कुकोल्ली. नोक्कुकोल्ली क्या चीज है? दिस इज इन केरला. यहां पे एक प्रैक्टिस है. सबसे पहले देयर वाज अ पर्सन जो राजा के पास आए, ही सेड कि राजा जी प्लीज गिव मी एनी गवर्नमेंट जॉब. राजा के पास मुझे कोई भी जॉब दे दो, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो. सो द किंग गेव हिम अ फ्लैग एंड ही सेड ओके दिस इज योर गवर्नमेंट जॉब. ऑल यू हैव टू डू इज सुबह सुबह जाके समुंदर के किनारे बैठ जाना, सिट जस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द ओशंस अर्ली मॉर्निंग एंड जस्ट वॉच द वेव्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. अब उसको गवर्नमेंट ने काम क्या दिया कि भाई साहब यू आर नॉट आस्किंग फॉर सैलरी, सो यू डू नॉट हैव टू डू अ जॉब. ऑल यू नीड टू डू इज गो टू द बैंक्स ऑफ द रिवर और गो टू द ओशन साइड एंड ऑल यू नीड टू डू इज वॉच द वेव्स. बट द शिप्स दैट यूज टू कम बाई दैट ओशन रूट, जो समुद्री जहाज आया करते थे, दे यूज टू सी दिस पर्सन दैट ही इज होल्डिंग द किंग्स फ्लैग एंड दे यूज टू ब्राइब हिम. दे यूज टू गिव हिम अ मनी, अ ट्रिब्यूट और अ ब्राइब, विच इन मॉडर्न डे has developed into a system where if you want to transfer your home from one location to another, then still now you have to bribe these people. So this has been banned by the government now and it's no more in the working status. So this is talking about the same. Chalo, now let us look into the vocabs of the day and then we can start discussing in detail. So ab hum aa jayenge hamare next slide pe where we will talk about today's vocabs. Number one is a behest. What is a behest? It is a person's orders or command. That is, if you have a wish or if you want to command somebody, that you stand in a straight line. So that is what you call as a behest. But behest is more like a wish that may get fulfilled or may not get fulfilled, right? Not every order or not every command gets fulfilled. So it is on the same lines. Next is a plethora. What is plethora? A large or excessive amount of something, that is too much of anything. A plethora of milk is too much of milk. A plethora of problems is too much of a problem. An excess of body fluids, particularly blood. So normally it is used with respect to blood, that is too much of blood is an a plethora. So it is a large or excessive amount of anything. Next is conjecture. What is conjecture? An opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information. That is, if you do not have the complete information of what is going inside the Hindu editorial show, if you have never watched it, but still you think whether it is good or bad and you come and you like or dislike it, that is known as an opinion or a conclusion without the basis of complete information. You do not have the complete information, but you have developed an opinion. Form an opinion or supposition about something. Aap suppose kar lete ho. Let us assume that. Let us suppose that. So that is a conjecture. Matlab kehte hai na ki aadha knowledge bahut kharab hota hai. So it is the same thing. So it is half knowledge sort of a thing on the basis of which you develop an opinion. Our final opinion develop kar lete ho. Okay? Chalo. So let's come to our today's articles and let us come to the first article of the day. तो जो पहला आर्टिकल है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज, एक बार दिखा देंगे, दिस इज द माइल्स टू गो. नाउ बिकॉज वी हैव बीन रिसीविंग इतने सारे कमेंट्स कि इस पर जूम कीजिए, तो चलो आज हम इस पर जूम करते हैं और देखते हैं माइल्स टू गो में क्या क्या कहा गया है. नंबर वन, द न्यू बैंक्रप्सी कोड यील्ड्स इट्स फर्स्ट सक्सेस बट मे रिंकल्स रिमेन. ओके, तो एक बार आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जूम हो गया है. ओके,
तो यहाँ पे जूम हो गया है, आप देख पा रहे हो इसे. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले दैट 73% स्टेक इन द बैंकरप्सी फर्म भूषण स्टील. अब यहाँ पे टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया है, टाटा स्टील हैज़ एक्वायर्ड 73% स्टेक इन द बैंकरप्ट फर्म भूषण स्टील. जो भूषण स्टील है ना, वो 12 मेजर अकाउंट है, इस तरीके का 12 टोटल अकाउंट्स है, जिसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के वजह से, बैंकरप्ट होने के वजह से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को रेफर किया गया है. अब इन 12 रेफरल्स में से एक रेफरल है आपका भूषण स्टील. बट यहाँ पे पहली बार हमें एक पॉजिटिव चीज़ होता हुआ नज़र आया है, और वो पॉजिटिव चीज़ क्या है? द पॉजिटिव थिंग इज दैट द 73% स्टेक हैज़ बीन परचेस्ड, उसको खरीद लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कितना दे के खरीद लिया गया है, 35,000 करोड़ रुपीज दे के उसको खरीद लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द प्रोसीड्स फ्रॉम एक्विजिशन विल गो टूवर्ड्स सेटलिंग ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ ओवर 56,000 करोड़ दैट भूषण स्टील ओज बैंक. भूषण स्टील ने बैंक को कितने पैसे देना है, 56,000 करोड़ रुपीस देना है. बट सिंस दे हैव टू गिव 56,000 करोड़ विच दे कैन नॉट गिव, एंड सिंस दे हैव बीन परचेस्ड फॉर 35,000 करोड़, तो अभी 2/3 ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वो लोग वापस चुका सकते हैं. ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि एटलीस्ट इतना पैसा तो वापस वी आर एबल टू पे. देन नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट, इस लाइन को एक बार हम यहाँ पे फोकस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे. बिटवीन अप्रैल 2014 एंड सितंबर 2017 द बैड लोन रिकवरी रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाज एज लो एज 11%. मतलब अप्रैल 2014 से लेके सितंबर 2017 तक बैड लोन रिकवरी हम कितना कर पाए, सिर्फ 11% हम रिकवर कर पाए. जब से वो बैड लोन से लेके जब तक वो NPA हुआ, वाई वेर वी नॉट डूइंग एनीथिंग, वाई कुड वी नॉट टेक दी मनी बैक, राइट? तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 11% पैसे ही वापस आते हैं, और इसी वजह से हमारा NPA अब कितना है, इट इज़ 2.41 लाख करोड़. सो करेंटली देर इज 2.41 लाख करोड़ रुपीज विच वी होप दैट इट कम्स बैक टू दी बैंक्स वेरी सून, ऐसा हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे, राइट? सो लेट अस कम बैक टू द स्क्रीन वंस, और अब हम बात करेंगे कि ये सारा फैक्ट था, राइट? सो वॉट इज द NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, वॉट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एंड वॉट इज द ट्रिब्यूनल. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे जहां पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेम, एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट दिस इज व्हाट इज NCLT. सबसे पहले एग्जाम में NCLT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेट अप अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सो इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया है, इंटरनेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ऑलरेडी इनके पास 12 मेजर अकाउंट्स ऐसे जा चुके हैं. दे ऑलरेडी हैव 12 अकाउंट्स टू लुक इनटू, एंड इन आउट ऑफ दिस 12 अकाउंट्स वन ऑफ द अकाउंट इज द भूषण स्टील, ठीक है, जिसे ऑलरेडी खरीद लिया गया है. द फर्स्ट फेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस. फर्स्ट फेजेस में टोटल 11 बेंचेस बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे, इन न्यू दिल्ली एंड इन द रीजनल ब्रांचेस एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, अलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई. नाउ लेट अस लुक इनटू व्हाट इज दिस एंटायर थिंग, द रियलिटी चेक फॉर लोन डिफॉल्टर्स. द अमेंडमेंट टू बैंकरप्सी कोड इज एम टू प्रिवेंटिंग डिफॉल्टर्स फ्रॉम वॉकिंग बैक इन टू द मैनेजमेंट बाई पेइंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ द कंपनी. अब देखिए, प्रीवियसली वॉट यूज टू हैपन, इवन इफ यू आर फाउंड गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन
पे बैक अ फ्रैक्शन ऑफ द लोन अमाउंट. मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था और आपने 5 लाख के आसपास कुछ एक वापस कर दिया, तो आप वापस से बैंक के मैनेजमेंट में जाके घुस जाओगे और वापस से आप घोटाला करोगे. इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अब उसको बंद कर दिया गया है. द बिल बार्स दी फॉलोइंग फ्रॉम सबमिटिंग अ डेप्ट रिजोल्यूशन प्लान और प्रैक्टिसिंग इन द लिक्विडेशन प्रोसेस इन केस ऑफ डिफॉल्टर्स. अब जितने लोगों ने जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टिंग किया है वो वापस से मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका मेन चेंज यहाँ पे किया गया था. द गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ लोन डिफॉल्टर्स टू मेरिली वॉक बैक. तो वापस से आप नहीं जा सकते हो, ये अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट था. तो ये थोड़ा पुराना स्टेटमेंट था, बट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट हैव पेंडिंग केसेस विद द National Company Law Tribunal and still you cannot walk back to the management. Let us come to the next slide. Okay, so इसमें आपका सब कुछ summary form में दिया हुआ है. The Tata Steel acquired 73% stake in Bhushan Steel. Question पूछा जाएगा, which of the following companies has acquired 73% stake in the bankrupt firm Bhushan Steel? Your answer will be Tata Steel. What is the percentage? It will be 73%. Next, what is the full form of IBC? It is the Insolvency and Bankruptcy Code. Already a lot many time that has been discussed in our platform ki insolvency kya hota hai. Aur jab aap insolvency, when you cannot find out a way to come out of insolvency, then you will be finally declared as bankrupt. Right? Okay. And what is non-performing assets? An asset including a leased asset becomes NPA when it ceases to generate income to the bank. In the case of a commercial loan, it is 90 days, and in case of an individual, it is your 180 days. Let's proceed further. आगे बढ़ते हैं. तो इसके साथ आप पूरा कर पाते हो कि क्या क्या इस आर्टिकल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आर्टिकल के लिए वी हैव टू फोकस बैक ऑन द न्यूज़पेपर. व्हाट इज नोको कोल्ली? सो द स्टोरी दैट आई स्टार्टेड विथ ये उसी के बारे में है. वेजेस फॉर लुकिंग, देखने का पैसा, देखने के लिए वेजेस मिलने का आपका कौन सा सिस्टम है? सो लेट्स कम ऑन द न्यूज़पेपर. द बैन ऑन नोको कोल्ली इज बीइंग ग्रीटेड विथ Scepticism in Kerala. अब क्या हुआ था? As I told you, that person went to the king, your majesty, please give me a सरकारी job, any job. I only need a job, title and a flag. I will work without pay. तो king ने उसको क्या किया? The king gave him a title. और जो title है उसको देखिएगा ध्यान से, it is Thira Noki. King ने उसे title दे दिया. The title is Thira Noki. और वॉचर कि बस जाके देखो. व्हाट डू यू नीड टू वॉच? यू नीड टू वॉच द वेव्स. सो थीरा नोकी इज द टाइटल फॉर वॉचर ऑफ द वेव्स. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट? दिस पर्सन ही यूज टू वॉच द वेव्स, बट फाइनली द बोटमैन दे यूज टू पे हिम अ ब्राइब, एंड दिस ब्राइब केम टू बी नोन एज नोकु कुली. सो थीरा नोकी को जो पैसा मिलता था, जो ब्राइब मिलता था, दैट इज नोकु कुली. So after a couple of like previously it used to be a part of the society, वो अच्छे तरीके से चल रहा था, but बाद में क्या होने लगा? Presently if somebody tries to, अब यहाँ पे एक इंसान ने कहा है that he had paid 25,000 because he had to shift his home. तो अगर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, तो suddenly वहाँ पे वापस से थीरा नोकी आ सकता है और वो लोग नोको कुल्ली डिमांड कर सकता है. So this person faced problem because of that. However, there are auto rickshaws who says that, जो कहते हैं कि we have to do the shifting in the night time, रात के अंधेरे में हमें ये shifting करना पड़ता है to avoid or to make any payment of नोको कुल्ली से बचने के लिए हमें रात के अंधेरे में shift करना पड़ता है. So that is what the auto drivers are saying here. Finally, the same has been banned, and because of the ban, most people, they are happy that the Nakku Kolli has been banned, right? So most of the people, they are happy about it. So all you need to, let us come back on the slide, all you need to know from this article is that what is Nakku Kolli? It is the bribe that is paid to trade unions at present, because at present you cannot find थीरा नोकी एज सच, कोई जाके वेव वॉचर लिटरली तो नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई द
यूनियंस एंड दीज पीपल दे कैन आस्क फॉर द सेम राइट. तो उनको ये पे किया जाता है. सो दिस इज वॉट यू शुड नो अबाउट दिस आर्टिकल. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर एबल टू सी द न्यूज पेपर देन ऑल्सो हिट द लाइक बटन. चलिए आगे बढ़ते लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now the next slide talks about Meghalaya first. So what is this issue and what is the Meghalaya first thing? So this is about the example of Meghalaya. How in Meghalaya these people are able to conduct the social audit meeting. So it is talking about the social audit law and the social audit meeting. Pehla question jo yahan pe ban sakta hai, that is Liu Shillong village. See Shillong, you know Shillong is in Meghalaya, right? Now Liu Shillong village is also in Meghalaya, except that you have 2 to 3 more things in Meghalaya that you must know. For example, you have the Molyong in Meghalaya, which is Asia's cleanest village. Iske alawa, you have the natural route bridge in Meghalaya, which is made out of 2 ficus plant. Ek aapka ficus ka plant hai, jiske roots ne ek aapka bridge bana diya hai. So that is in Meghalaya. That also you have to remember. Coming down to this law, you know that there is CAG, Comptroller and Auditor General of India, who has the right to do auditings into what are the expenditures made by the central government or the state government. But should there be a social audit meeting as well? Yes. So this is about the new law. And agar hum baat kare about the schedules of the Indian Constitution, then you know that all total there are 12 schedules of the Indian Constitution, out of which, if you remember, then the 5th deals with the areas that comes under scheduled tribes, except some of the northeastern states, and that is why the 6th deals with most of the North Indian states. One of them is Meghalaya. So Meghalaya come under which scheduled area? 6th scheduled area. That is under the 6th schedule. Okay, so the audits has to be built on traditional tribal institutions. Agar aap 6th schedule ko dekhoge, then it is about the scheduled area that is in the northeastern states. So is special schedule mein hone ke wajah se Meghalaya has its own rules and regulations, aur yahan pe jo bhi auditing hoga wahan pe traditional tribal institutions ka, traditional tribal institutions ke bare mein baat karte hue, I must also note that Garo Khasi Jaintia mein se jo Khasi tribe hai, that is predominantly located in the Khasi hills of Meghalaya. So us population mein se aage badhte hue aapka ye decision making wo log yahan pe karte hai. Now you must have heard that the same location, aapne suna hoga, they have a matrimonial kind of a system. But though it is like that, decision making power mein, especially economic affairs mein, women ka say kaafi kam hota hai, right? But now if you have a right over the auditing system, that will increase your powers economically as well. Finally, civil society needs to shape the social audit campaign, be the watchdog. तो सिविल सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसे का एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन बेटर यूटिलाइज द मनी एंड इवेंचुअली दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि टैक्स पेयर्स का जो मनी है वो सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए. चलिए देखते हैं एक बार न्यूज़पेपर में फोकस करके कि किस तरीके से ये आर्टिकल आगे बढ़ा है. द मेघालय एग्जाम्पल एज द फर्स्ट स्टेट टू पास सोशल ऑडिट लॉ इट्स एक्सपीरियंस एंड एक बार न्यूज़पेपर में हम यहाँ पे जूम करेंगे एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ अबाउट द एग्जांपल ऑफ मेघालय हाउ इट्स एक्सपीरियंस हैव वर्क आउट टू बी गुड कि बाकी स्टेट्स भी मे बी इसे इम्प्लीमेंट कर सके. सो नियरली 300 पीपल मोस्टली वुमेन गैदर्ड इन दिस कम्युनिटी हॉल इन Liu Shillong विलेज इन मेघालय. और वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे? दे वर वेटिंग फॉर द सोशल ऑडिटिंग प्रोग्राम टू बिगिन टेकिंग इट ओवर वेन द Distribution registration of food grains under the National Food Security Act was read out. There was an uneasy silence. A woman raised her hand to say that the dealer had been charging her more than what was recorded. अब हम अगर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाना है, देखिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस और ज़्यादातर जगहों में गेहूँ जो है
वो 2 रुपये प्रति केजी के दाम से मिलता है एंड राइस इज फॉर 2 रुपीज़ पर केजी. बट देर आर अप्रॉक्सीमेटली 300 वुमेन्स एंड ऑल दीज वुमेन्स दे नो वॉट इज द एक्सपेंडिचर. वो कितने रुपये दे के खरीद रही है, वो 2 रुपये दे के खरीद रही है या 3 रुपये दे के खरीद रही है, उन लोगों को ये वकायदा बहुत अच्छी तरीके से पता है. तो एक सभी लोग शांत हो गए. एक महिला ने हाथ उठा के बोला कि ऐसा नहीं है, मुझसे ज़्यादा चार्ज किया गया है. रिजल्ट ऑडिटिंग कंप्लीटेड, राइट, पता चल गया कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है. सो दिस इज द रियल सिनेरियो एंड दिस इज हाउ वी कम टू रियलाइज. सो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पे भी जूम इन कर दिया जाए. The Meghalaya Community Participation and Public Service Social Audit Act. This act mandated social audit across 21 schemes in 11 departments. अब देखिए ये जो एक्ट है, मेघालय कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेशन करके टोटल 21 स्कीम्स में और 11 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने ऑडिट करवाया. मतलब गवर्नमेंट इतना सारा स्कीम्स लेके आती है, द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग आउट सो मेनी स्कीम्स, बट आर द स्कीम्स एसेंशियल? क्या वो स्कीम्स सही से काम कर पा रहे हैं? जिस पॉपुलेशन के लिए ये स्कीम्स होते हैं क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? सोशल ऑडिट से पता चलेगा. आप लोगों के बीच में जाके लोगों को पूछो तब पता चलेगा. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन थे? 11 विलेजेस रिप्रेजेंटिंग गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स वेयर सिलेक्टेड फॉर दी पायलट. सो ये 11 गांवों से लोग आए थे और 11 गांव में, जो इसमें से हमने आपसे कहा था गारो खासी जयंतिया हिल्स, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों हिल रेंजेस एक दूसरे से कोलिनियर है, एक दूसरे के बगल बगल में है. तो यहाँ से इन लोगों ने आके बताया था कि इन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिला और इन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिले. चलो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट आर्टिकल. यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सोशल ऑडिटिंग का फ़ायदा क्या है. एक बार समरी कर लेते हैं. सी, दिस इज वेरी मच असेंशियल. वाई? बिकॉज इफ यू कलेक्ट, इफ यू मेक अ ग्रुप ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 300 वुमेन from a particular village or for say that matter 20 village, 30 village, and if you ask them कि क्या आपको 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ मिला, क्या आपको 3 रुपये प्रति किलो चावल मिला, you will get what is the correct answer. Result, you can go for further auditing processes with the whatever schemes are going on, say in this matter 21 schemes पे सवाल उठा and 11 departments. So that is how this can work out to be really effective. Let us look into the next one, next article. यहाँ पे क्या है उसे एक बार देख लेते हैं. The classroom as the instructor's castle. So this article is talking about कि सबसे पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया है इस person ने who is one of the co-founders of the Apple company and he is Steve Wozniak. So as you can see, Steve Wozniak, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारत के जो लोग हैं वो IT सेक्टर में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले पैराग्राफ में उनके इस आरोप के बारे में बात किया गया है. While building global IT giants, have more to do with an appetite for growing business rather than anything else. उन्होंने कहा है कि business को बढ़ाने से ही IT giants भी जो है वो increase होंगे. So that is what is his mainstay. तो दिक्कत क्या आ गया होगा? Crisis in higher education. एक बार हम न्यूज़पेपर में प्लीज़ फोकस करेंगे. तो दिक्कत ये हो सकता है कि नंबर वन, हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन में क्राइसिस सिचुएशन है. सो हायर एजुकेशन इज़ नॉट गुड इन द कंट्री, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है. एक इशू यहाँ पे ये भी है कि नोबल प्राइसेस इसीलिए हो सकता है कि हमें कम मिल रहे हो. पूरे एक साथ हम अगर जूम कर सके कि प्रॉब्लम्स दिख जाए. नेक्स्ट इज़ द जर्नल पब्लिकेशन. ओके, दैट मच विल बी एनफ, इतना बहुत है. तो नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे दिक्कत है वो ये है कि जर्नल पब्लिकेशन. अब जर्नल्स तो बहुत पब्लिश होते रहते हैं. UGC, अकॉर्डिंग टू द UGC स्टडी ऑल्सो देर आर मैनी जर्नल्स पब्लिश इन दिस कंट्री, बट उसमें से कितने को आगे जाके पेटेंट मिलता है ये आपका डाउटफुल केस है, राइट? सो जर्नल्स आर जस्ट अ मीन्स ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज के अपॉइंटमेंट के लिए जर्नल सिर्फ एक माध्यम बन के रह गया है. थर्ड जो यहाँ पे सजेशन दिया गया है, दैट इज रिवाइज द API. आप API को रिवाइज कीजिए. व्हाट इज द API? इट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो API का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हमें यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए. सो लेट्स कम टू दिस स्लाइड.
और यहाँ पे तीन चीज़ों पे मेनली बात किया गया है, दैट इज हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पे क्राइसिस है नंबर वन, नंबर टू जर्नल पब्लिकेशन से पेटेंट या फिर नोबेल प्राइज मिलना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ ओनली अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द फिगर्स एंड फैक्ट्स ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। नंबर थ्री दिक्कत जो यहाँ पे ये है, दैट इज़ हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बढ़ाना चाहिए, इट शुड नॉट जस्ट बी योर पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स। तो इन तीनों चीज़ों पर यहाँ पर बात किया गया है, राइट? सो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए वी शुड proceed further, and also the last thing here is attendance should be made mandatory. ऐसा नहीं कि distance में PhD कर लिया, that has already been resolved. अभी वैसे भी distance में PhD आपका बहुत कम हो चुका है, तो उसको already resolve कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, बस publication होते रहेंगे and grassroots work नहीं होगा, तो इस पूरे article में ये कहा गया है. So let us come to the next article. ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ऑन द ग्रेट एशियन हाईवे, एंड इफ वी कैन जूम इनटू व्हाट आर द इश्यूज ऑफ दिस ऑन द ग्रेट एशियन हाईवे, देन यू कैन सी दैट इट इज वन ऑफ द नॉन मिलिटरी इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो बिटवीन द अदर रीजन्स, अदर नेशंस इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया बेसिकली. सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट द चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI, which have recently, they have concluded the meeting for the same. Next, what are we looking into? हम लोग क्या देख रहे हैं? The BBIN way. Now, we will talk about what is this BBIN. सबसे पहले, the first B is for Bangladesh. The second B is for Bhutan. Then there is I for India. And then there is N for Nepal. तो BBIN यानी कि आपको बांग्लादेश, अच्छा ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल बस सर्विस इज़ ऑलरेडी देयर, सो यहाँ पे चारों को विथ रिस्पेक्ट टू बस कनेक्शन से आप इसको किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रख सकते हो, फिजिकल कनेक्टिविटी आप किस तरीके से इनके बीच में इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट. बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, भूटान फेल टू रेटिफाई द एग्रीमेंट ड्यू टू अपोजिशन इन इट्स पार्लियामेंट. भूटान कुड नॉट पास द सेम, सो वी कुड नॉट मेक द कनेक्टिविटी गो अहेड एंड वी कुड नॉट make this BBIN way possible. Why? Now, because of poor connectivity, number one, कि इस पूरे एशिया में, इस पूरे साउथ एशियन रीजन में there is poor connectivity. And because of poor connectivity, we are lacking in terms of international business and we are only contributing to 5% of the this regional business. So that is the problem that they have figured out. Next is BIMSTEC. What is BIMSTEC? इसको एक बार देख लेते हैं. B for Bangladesh. Then there is Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. So these are what you have to remember for BIMSTEC. Bangladesh, Bhutan, dono BB ho gaya, matlab do B hai isme. Do BIMSTEC is one B, but you have to remember this B for Bangladesh and Bhutan. I is for India, M is for Myanmar, S is for Sri Lanka, T is for थाईलैंड. सो दिस इज़ वॉट यू नोन एज, दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज BIMSTEC. तो इसे हम कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल्सो अभी प्रेजेंटली जो आपका मलाक्का स्ट्रेट्स है उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है. चलो, सो लेट अस कम टू द PPT एंड लेट्स सी BBIN development. So they are trying to develop land connectivity, motor vehicle connectivity and physical connectivity between B for Bangladesh, B for Bhutan, I for India and N for Nepal. That's it. उतना बस याद रखो BBIN के लिए. Exam में question पूछा जा सकता है, what are the nations in BBIN? Next. Although Bhutan had failed to pass the same thing, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन हो गया था. Now there are two reasons क्यों हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे. साउथ एशिया में द पॉपुलेशन इज 1.8 billion, बट इट इज़ ओनली कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग ट्रेड अराउंड 5% इंटर रीजनल ट्रेड एज कनेक्टिविटी. वाई, क्यों ऐसा है? बिकॉज पुअर कनेक्टिविटी है, मतलब हम BBIN आपस में अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम इज नॉन टेरिफ बैरियर्स. यहाँ पे हमारे बीच में नॉन टेरिफ बैरियर्स जो है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्लेग द रीजन एंड ऑल्सो वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट. रास्ते ही नहीं है तो जाओगे कहाँ से? सो मोस्ट ऑफ द रास्ताज आर पहाड़ी रास्ता. सो दैट इज अनादर फैक्ट विच इज लीडिंग टू स्लो डेवलपमेंट ऑफ दिस साउथ East Asian region.
सो लेट अस प्रोसीड फर्दर और हम आगे बढ़ते हैं. आज के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. बीमस्टेक में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? बीमस्टेक में देयर विल बी बांग्लादेश, भूटान, सो टू बी फॉर बी, देन देयर इज इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड. उसके बाद ई सी लगा हुआ है यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो दिस इज द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन दैट इज योर बीमस्टेक एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. बट द सेम बीमस्टेक विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिमेंबर वॉट आर द नेशंस, कौन कौन से नेशंस इसमें हैं. तो थाईलैंड को मत भूलिएगा, थाईलैंड इज ऑल्सो इन दिस बीमस्टेक प्रोजेक्ट. नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, दे मेट अगेन इन जून एंड दे टॉक्ड अबाउट दिस एस सी ओ समिट इन चाइना इटसेल्फ इन क्वियानडाओ. तो वहाँ पर उन लोगों ने इसके बारे में बात किया एंड वी होप दैट सम सोल्यूशन we can see about this problem. Anyhow, what are the solution? The author यहाँ पे क्या क्या solution suggest कर रहे हैं. Sorry. So he is suggesting about enhancing trade, trade को बढ़ाइए, connectivity को बढ़ाइए, improve people to people interactions and let them understand each other better. And if you will understand each other better, अगर आप एक दूसरे को समझोगे तो फिर अपने आप से टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाओगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विल इंक्रीज एंड इफ आर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विल इंक्रीज फाइनली देयर विल बी पीस एंड स्टेबिलिटी. और कुछ भी दोखलाम से रिलेटेड ना कोई इशू आएगा, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ना कोई इशू आएगा, क्योंकि पीस बना रहेगा और टॉलरेंस बना रहेगा. सो टॉलरेंस विल इवेंचुअली ब्रिंग पीस. लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं. Now we have come to the question answer section and today you have to tell us. आज आपको हमारे साथ comment box में जो share करना है वो ये है, how many schedules are there in the Indian Constitution? Indian Constitution में, भारतीय संविधान में कितने schedules है? Now this is quite easy, right? So all of you, if you remember, 4, 4, 4. अगर आपको याद है total schedules में कौन सा स्केड्यूल किस चीज़ से डील करता है, देन यू कैन मैंशन द सेम एज वेल. अगेन रिमेंबर दैट द 7th स्केड्यूल एंड द 9th स्केड्यूल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. तो इन सभी चीज़ों को मैंशन करते हुए, टोटल 12 स्केड्यूल्स कौन किस से डील करता है इसे मैंशन करते हुए कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा. और जाने से पहले इफ़ यू लाइक द सेशन देन डू हिट द लाइक बटन बिफोर यू लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. दिस इज अंतरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अड्डा 247. सी यू अगेन at 2 for the previous year question discussion of SSC CGL. Thank you so much. Take care. Bye-bye.